हाई एवरीवन, दिस इज़ राम्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ ब्लू कुर्ता मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने यूज़ करा टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, और मैं यूज़ करी इनसाइड का प्राइमर। तो मैंने इयररिंग्स ली थी करीब 2 महीने पहले और ब्लू कलर की थी। तो मुझे इस कुर्ती पे बनाना था और तो मुझे मिल नहीं रहा था मौका कि मैं बनाऊं। और उसके बाद मैं यूज़ करी NYWay का कंसीलर। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसे आप एज ए फाउंडेशन कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे से और ईजिली ये ब्लेंड भी हो गया था। अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इसे लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी अंडर आई पे कि क्रीज ना आए। और मैं यूज़ करी यहाँ पे लाइट ब्राउन आई शेडो, और उसे मैंने लिया ब्लेंडिंग ब्रश, और उसके हिसाब से मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने आई क्लिस्ट पे। मैं अप्लाई कर रही और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। तो आप कोई भी शेड ले सकते हो जो आपको ऐसे ड्रेस पे मैच करे और अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने लिया है लाइट पर्पल शेड, शिमरी शेड, उसे मैं अपने टॉप लाइन पे अप्लाई करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लाइटली अप्लाई करूँगी, डार्क नहीं। उसे आई आउटर लाइन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे डार्क ब्राउन आई शेडो, थोड़ा सा डार्क लुक देने के लिए। उसके बाद मैंने लिया गोल्डन शिमरी आई शेडो और उसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो मुझे ऐसे आई मेकअप आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये काफ़ी न्यूड भी होते हैं और ट्रेडिशनल पे भी, और डेली आउट गोइंग पे भी आप लाइटली यूज़ करके जा सकते हो। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही अपने आईब्रोज पे आईब्रो पेंसिल, उसे सेट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं L18 का ये फाउंडेशन, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। तो ये मेबेलिन का आईलाइनर काफ़ी पुराना है तो नाम मिट चुका है, और इसे मैं आज अप्लाई कर रही थी। इससे काफ़ी ईजिली अप्लाई हो जाता है और जल्दी अप्लाई हो जाता है। कि मैं काजल अप्लाई करूँ या ना करूँ, तो मेरा मन था काजल अप्लाई करने का, लेकिन मैंने सोचा यार इस लुक पे ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और मुझे गोल्डन लुक देना था। तो मैंने कॉन्टोर की वीडियो, कॉन्टोर अप्लाई करते टाइम मेरी वीडियो ऑफ हो गई थी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही, और मैंने सेम ब्रश से कॉन्टोरिंग भी की है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पीच ब्लश, तो ये मेरे आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा था, और लिप भी मैं न्यूडी रखने वाली थी। तो मैं कॉन्टूर तो ज़्यादा मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरे पिंपल्स फिर से हो जाते हैं और काफ़ी पेन होता है इसकी वजह से। और आज तो मैंने अप्लाई करा है तो आई होप कि पिम्पल्स ना आए। और मैं यूज़ कर रही ये ब्लू हेवन का मस्कारा। मैंने फॉल्स आईलैशेस नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 2-3 बजे के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसकी वजह से दिन ढल रहा था तो मुझे जल्दी वीडियो बनानी थी। और अब मैं यूज़ करी यहाँ पे हाइलाइटर, तो मैं फोरहेड और अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे लगता है हाईलाइट करना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी लिप लाइनर। तो पहले मैंने सोचा यार मैं कोई और लिपस्टिक अप्लाई करूँ, फिर मैंने कहा नहीं पिंक अप्लाई करते हैं कोई न्यूड शेड, और ये रैनी की लिपस्टिक है तो ये 5-in-1 है तो काफ़ी अच्छे लिपस्टिक है, और इसमें कई सारे कलर्स हैं। तो एक लिपस्टिक आप कैरी करके कहीं बाहर अगर ट्रैवल करते हो तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। इसके बाद मैंने इस पर अप्लाई करा लिप ग्लॉस, आप चाहो तो स्किप कर सकती हो। मेरा मेकअप कंप्लीट। आई होप यू गाइस लाइक।